Assalamualaikum student of SLS class 2, now open your book mathematics. Lecture number 22, day and date mention kar le, 7 July 2020, Tuesday. Page number 76, commutative property hai. Commutative property mein kya hota hai? To multiply two numbers, the numbers can be put in any order, to answer will remain the same. Kya keh rahe hain? Ki do number lein, theek hai? Chahe usse 5 को इस साइड पे लिखें या इस साइड पे लिखें, आंसर क्या होगा हमारे पास सेम ही आएगा. नंबर को हम किसी ऑर्डर में भी लिख लें, ठीक है, चाहे हम पहले 5 लिखें या 3 लिखें या पहले 3 लिखें या 5 लिखें, तो आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा. 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 ही आएगा. समझ आ गई? ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें हमने टू नंबर्स लेने होते हैं, उनके ऑर्डर, उनका जो ऑर्डर है चेंज कर रहे, ऑर्डर होता है तरतीब चेंज कर ले, मतलब 3 पहले लिखते हैं या 5 पहले, या 5 पहले लिखते हैं, ठीक है, आंसर क्या हमारे होगा, हमारे पास सेम ही आएगा. आप क्वेश्चंस करते हैं आपको समझ आ जाएगी. आप देखो इसमें दो नंबर लिए हैं 5 और 10, इधर भी 5 और 10 है, लेकिन हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है. यहाँ पर 5 पहले लिया है 10 बाद में, यहाँ पर 10 पहले लिया है 5 बाद में लिया, तो 5 10s are 50, 10 5s are 50. देखो दोनों का आंसर सेम ही आया है. 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें या 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा. अब देखें यहाँ पे टू नंबर्स हैं 8 और 4, इनका ऑर्डर चेंज है. पहले 8 लिखा है फिर 4, और दूसरे में क्या किया हमने, 4 पहले लिख दिया है और 8 बाद में, ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. चाहे आप 8 का टेबल पढ़ो चाहे 4 का टेबल पढ़ो, आंसर हमारे पास सेम ही होगा. तो हम 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 ones are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32. इसी तरह 4 का टेबल पढ़ेंगे तब भी आंसर हमारे पास 32 ही आएगा. 9 6s are 54. अब इसमें देखो कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे हमने 9 multiply 6 is equal to 54, यहाँ पे आंसर अब दे दिया गया, कौन सा नंबर मिसिंग है, 6 तो है, कौन सा मिसिंग है, 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख लें. नेक्स्ट 9 7s are 63, 7 9s are 63. अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा. इसी तरह 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, इसी तरह 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा. 9 3s are 27, एंड यहाँ पे सेम ही, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, अब मिस्टेक कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 9 ही लिख लेंगे, ठीक है. अब देखो यहाँ पे 9 9 दे दिए उन्होंने, अब कौन सा नंबर मिसिंग है, अब हमने देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, 45. अच्छा 45 कब, 9 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, 9 का टेबल पढ़ लेंगे, 9 5s are 45, ठीक है, 9 5s are 45. 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा. 4 multiply 10 is equal to 40, 10 multiply 4 is equal to 40, 8 3s are 24, 8 10 7s are 70, 7 multiply 10 is equal to 70, 5 2s are 10, 2 multiply 5 is equal to 10, 6 4s are 24, 4 multiply 6 is equal to 24, 5 7s are 35, 7 multiply 5 is equal to 35. ओके स्टूडेंट ऑफ एसएलएस, देखें आप लोग पेज नंबर 76, लेक्चर नंबर 22 है आज का हमारे पास, और ये आपने अपने बुक पे सॉल्व करना है, जिसमें आपने मिसिंग नंबर्स बताने हैं और कंप्लीट करना है. होप सो आपको समझ आ चुका होगा. अल्लाह हाफिज़.